नेहरू युवा केंद्र करनाल द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र व जिला प्रशासन NDRI करनाल में 15 दिवसीय राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवक अधिष्ठापन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के 5 जिलों यमुनानगर, झज्जर, करनाल, रेवाड़ी, जींद के स्वयं सेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण के चौथे दिन जिला युवा समन्वयक कृष्ण लाल गुरुग्राम ने युवाओं को नेहरू युवा केंद्र संगठन के प्रोग्रामों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के प्रोग्राम क्लब के द्वारा होते हैं। कार्यक्रमों के संगठन क्लबों को बजट देते हैं। ब्लॉक लेवल पर प्रोग्राम होने के बाद जो टीम प्रथम, द्वितीय और तृतीय आती है, वह जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेती है। हर साल जिला स्तर पर जो ब्लॉक अच्छा कार्य करता है उसको यूथ अवार्ड दिया जाता है। प्रोफेसर महावीर प्रसाद NSS ने युवाओं को व्यक्तित्व विकास के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर सकते हैं। जिला युवा समन्वयक रेणु रानी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि नेहरू युवा केंद्र आज से ही नहीं बल्कि शुरू से ही युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहा है, ताकि देश की जो एक बहुत बड़ी संपत्ति है उसका इस्तेमाल देश हित में हो सके। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र संगठन करनाल से जिला युवा समन्वयक रेणु रानी, राजकुमार गोट लेखाकर और महावीर भी उपस्थित रहे। हमारी यहाँ पे 15 दिन की जो ट्रेनिंग शुरू हुई है, जितने भी वॉलंटियर हैं यहाँ पे 5 जिलों के वॉलंटियर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आज 5वां दिन है। आज स्वयं सेवक, ये अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया है, जो हम सभी ने यहाँ पे मिलके शपथ भी ग्रहण की थी। सुबह से हमारी जो टीचर है वो हमें बता रहे हैं कि सेवा कैसे करनी चाहिए, किन तरीकों से सेवा की जा सकती है, इन सभी के बारे में हमारी सभी ने जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा हमें। आप बता देना, आपने 5 दिन में अब तक क्या क्या सीखा, किस तरह से आप समाज में जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। 5 दिन हम हो गए हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम को होते हुए, और मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। और हमारी जो यहाँ एज ए होस्ट और मैम DYC मैम है, जो हमें मतलब समय समय पर एक ग्राउंड लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो और हमें यूथ क्लब कैसे बनाया जाए, उसमें मतलब युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी, वो सब कुछ हमें डिटेल से बताया गया। और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे प्रशिक्षण देने आए हुए सर पाचा जी और उनके साथी संभोले जी ने हमें काफ़ी सारी बातें, जो कि हमारे जीवन में और हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए हमें काफ़ी सारी बातें जो बताई है। 5 दिसंबर है, तो आज 5 दिसंबर का जो दिन होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय समय सेवक दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। तो जितने भी समय सेवक हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय समय सेवक दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो समाज है उसके लिए हमें कार्य करने चाहिए, क्योंकि समाज हमारा ही है, हमसे ही बना है, हमारा देश है। इसको आगे उन्नति के रास्ते पे बढ़ाने के लिए आप सभी को अपना योगदान देना चाहिए, और सभी जिला वासियों को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समय सेवक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस तरह से कार्यक्रम आगे एक सरकार का एक थोड़ा सा ये समाज सेवा ही होता है, किस तरह आप इसको देखते हो और क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं। सर, हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है। मेरे व्यू से तो ये नज़रिया है कि आपको सेवा करनी है समाज की, तो किसी भी पर्टिकुलर क्लब से या किसी अपने उससे कि मैंने किसी संगठन से जुड़ना है, उससे तो आपको एक रास्ता मिलता है कि इसके थ्रू। अदरवाइज अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है तो आप अपने आसपास के एरिए में कहीं भी कर सकते हो, देश के लिए सेवा या किसी में भी। ये नहीं कि पर्टिकुलर आपको चोला चाहिए संगठन का या किसी के लिए भी। तो मेरा तो यही है जी। आप कहाँ से और आपकी क्या देना चाहते हो। नमस्कार, मैं नीरू देवी, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट की, और हम यहाँ पे 15 दिन के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, और आज हमने जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी मनाया है। तो मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके हमें समाज में सेवा करनी चाहिए। हमारे दिल में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें समाज से कुछ लेना है, बल्कि हमारे दिल में ये भावना होनी चाहिए कि हमें समाज को कुछ देना है। यदि हमारे दिल में ऐसी भावना होगी तो उससे हमारा राष्ट्र जो है, हमारा समाज जो है, एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा और देश में काफ़ी उन्नति और एकता की बात करें, किस तरह से आप संगठन को, समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करोगे। सर, एकता का कहें अगर तो पहले उसमें हमें अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम सही नहीं हैं तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे कि आप ऐसा करो ये करो। इसलिए पहले हम अपने आप को सही करेंगे, अपने आप को जो अपनी कमियाँ हैं उसको सही करेंगे, ताकि हम दूसरे को फिर उसके लिए बोल सकें और एक संगठन बना सकें। ठीक है।
JBD banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।